नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे एक नए YouTube वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने जो बाइक खड़ी है इसका नाम है TVS Radeon। तो इस बाइक जो है, ये बाइक आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल जाती है, बाकी और भी सारे कलर ऑप्शंस इसमें होते हैं, जैसे कि ब्लैक, रेड, ब्लू रेड और वाइट कलर का भी ऑप्शन इसमें आ जाता है, ग्रे का भी आता है। तो कई सारे कलर ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसके साथ कई सारे वेरियंट भी आते हैं, डिस्क, विदाउट डिस्क, डिजिटल मीटर, तो इतने सारे ऑप्शंस इस बाइक में आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ये बाइक 110 सीसी सेगमेंट की बाइक है, जिसमें सबसे लंबी सीट इसकी आ जाती है। तो सामने से हम दिखाते हैं इस बाइक को, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज का इसका हेडलाइट सेटअप दिया गया है, ना ही ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा। तो इसी के साथ साथ ये जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट फिटेड होते हैं, ना ही इसमें वाइब्रेशंस आते हैं, ना ही ये जल्दी आवाज़ करते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगा, क्योंकि क्रोम फिनिश जो है आजकल ट्रेंड में चल रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे क्रोम फिनिश में आपको 3D लोगो मिल जाएगा TVS का। साइड से देखने पे ऐसा लगता है, साइड में आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, जो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ इसमें आपको हैलोजन हेडलाइट का सेटअप मिल जाएगा। नीचे के साइड आपको यहाँ पे LED DRL सेटअप मिल जाएगा। ये LED DRL है जो ऑल डे लाइट होते हैं, ये हमेशा ग्लो करेंगे। यहाँ पर जो है आपको पूरा हैलोजन सेटअप मिल जाएगा, इसमें बल्ब आपको दिख रहा होगा। उसी के साथ साथ नीचे के साइड आपको नंबर प्लेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस साइड से बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको इंडिकेटर्स मिलेगा जो हैलोजन इंडिकेटर्स के साथ आ जाते हैं। उसी के साथ साथ हम बात करते हैं इसके मडगार्ड की, तो ये जो है प्लास्टिक आता है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का प्लास्टिक इसमें होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, साइड में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। और अगर बात करते हैं हम इसके व्हील साइज़ की, तो इस सेगमेंट में सबसे बड़ा व्हील साइज़ इस बाइक का होता है। आप किसी भी बाइक से कंपेयर कर सकते हैं 110 सीसी सेगमेंट में, तो हीरो हो या फिर होंडा हो, सबसे बड़ा व्हील साइज़ इसका ही होता है। तो टायर्स की बात करते हैं हम, TVS टायर्स इसमें आ जाते हैं, जो ट्यूबलेस टायर्स होते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूबलेस का ब्रांडिंग है। और टायर साइज़ की बात करें तो 2.75.18, मतलब 2.75-18 इंच के अलावा व्हील इसमें आ जाते हैं। तो हालांकि सभी बाइक में जो है 17 इंच तक के होते हैं, इसमें 18 इंच के अलावा व्हील साइज आपको मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ बात करें हम, सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है आपको। यहाँ आप देख सकते हैं डुअल ब्रेक वायर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका मीटर केबल मिल जाता है। ये पूरा ब्रेक शू सेटअप है। इस साइड हो गया, राइट साइड से आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, सब ऐसा सेम रहने वाला है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में पूरा आपको मडगार्ड मिल जाएगा आगे से पीछे तक। और ऊपर हम बात करते हैं यहाँ इसके अगर मीटर्स की, तो मीटर में आप देख सकते हैं एनालॉग पूरा मीटर इसका सेटअप दिया गया है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे आपको TVS का लोगो मिल जाएगा, जो कि हॉर्स होता है। यहाँ पे आपको जो है इंडिकेटर लाइट साइड साइड वाला, बीच में न्यूट्रल और ये हेडलाइट का। तो अभी मैं आपको चाबी लगा के दिखा दूँगा इसको कुछ देर बाद में। तो यहाँ पर आपको जो है स्पीड जो है इसको कहते हैं स्पीडोमीटर कहते हैं। यहाँ पर बीच वाला जो है, यहाँ पर आपको ओडोमीटर देखने को मिल जाएगा, जो कि किलोमीटर में शो करेगा। यहाँ पर जो है इको और पावर मोड का दिखाएगा, ये जो दोनों लाइट है। यहाँ पे साइड स्टैंड स्विच लाइट और ये इंजन चेक लाइट, ये फ्यूल इंडिकेटर इसमें दिखाता है। तो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो है इसका, यही सब होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। साइड में यहाँ पर बहुत सही से सपोर्ट दिया गया है पूरा हेडलाइट को, यहाँ से और यहाँ से। तो पूरा कॉम्पैक्ट साइज फिटिंग है इसकी। ये है इसका लॉक। बाकी हम यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये है और ये है पास लाइट। यहाँ पे हॉर्न देखने को मिल जाएगा। स्विचेस जो है इसके अपाचे की तरह दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इसके हॉर्न वाले बटन्स। और ये यहाँ पे आपको हेडलाइट का लाइट दिया गया है, तो आप यहाँ से हेडलाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें बटन इसलिए दिए गया है क्योंकि इसमें DRL दिए गए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट DRL होते हैं, इसलिए इसमें हेडलाइट स्विच भी दे दिया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे सेल्फ बटन, ये रहा इसका एक्सीलेटर, ये रहा इसका फ्रंट ब्रेक। उसी के साथ साथ हम साइड की बात करें, तो इस साइड से आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने को मिल जाता है।
बाकी TVS का 3D लोगो इसमें देखने को मिल जाएगा, कुछ ग्राफिक्स देखने को इसमें मिल जाते हैं ग्लॉसी ब्लैक टैंक पे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड और येलो का कॉम्बिनेशन और यहाँ पे ब्लैक कुछ ऐसा दिया गया है। उसी के साथ साथ हम बात करें तो यहाँ पे चीक पैड्स भी दिए गए हैं, जो कि आपके नी सपोर्ट के लिए होता है टैंक पे। जैसे कुछ दिन बाद जैसे बाइक होती है तो यहाँ पे नीज लगते लगते घुटना आपका लगते लगते यहाँ पे पेंट छोड़ देता है, तो इसके लिए यहाँ पे ये दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम है। बाकी ये स्क्रैच से भी बचाएगा इनकेस कोई भी चीज़ आके इस पर लगता है। तो यहाँ पे आपको रेडॉन का 3D लोगो मिल जाएगा, ये रहा पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, काफ़ी ज़्यादा सही लगता है देखने में। यहाँ पे आपको मेट ब्लैक फिनिश मिल जाएगा, यहाँ पे स्क्रू, ये रहा इसका रेड और वाइट का स्टिकर। बात करते हैं हम इंजन, तो इंजन कुछ देखने को ऐसा मिलता है, गोल्डन कलर का इसमें इंजन मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। इस कलर का इंजन तो अभी शायद किसी बाइक में नहीं दिया गया है जितना कि मैं जानता हूँ। TVS का लोगो मिल जाएगा रेड कलर में, जो कि इनप्रिंटेड होता है इसी में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लीटर का मोबिल ऑयल कैपेसिटी होता है इसका चैम्बर का, तो 110 सीसी का इंजन होता है। इंजन के बारे में अभी आपको बताते हैं, पहले पूरा बाइक का हम भी दिखाते हैं। यहाँ पे आपको ड्यूरालाइफ का लोगो मिल जाएगा, लंबी सीट, काफ़ी ज़्यादा लंबी सीट इसमें देखने को मिल जाती है, हालांकि बैठने के लिए सिर्फ 2 लोग का ही परमिशन होता है, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे आपको हुक दिया गया है, आप झोला कुछ भी टांग सकते, झोला हेलमेट वगैरह कुछ भी आप इस पर टांग सकते हैं, या फिर कुछ लगेज बांध रहा हूँ वो भी आप इस पर कर सकते हैं। सस्पेंशंस के आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले जो है ये क्रोम फिनिश में आता था, अब ये मिड ब्लैक फिनिश में कर दिया गया है। यहाँ पे आपको ये पूरा सिंगार में है, ये पूरा आपको क्रोम फिनिश में मिलता है, आगे से लेके पीछे तक पूरा इसका साइलेंसर क्रोम फिनिश में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोम फिनिश में पूरा है, तो ये जो है पूरा क्रोम फिनिश जो है इसका कवरिंग होता है, साइलेंसर का कलर नहीं है, ये साइलेंसर जो है इसका मिड ब्लैक फिनिश में होता है। आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे, एक मिनट, तो ये रहा इसका साइलेंसर जो कि मिड ब्लैक फिनिश में होता है, ये देखिए ये मिड ब्लैक फिनिश है, और ये जो है पूरा क्रोम का कवरिंग है इसका। यहाँ पे ये दिए गए ताकि अगर कोई पीछे बैठने वाला पैर रखता है तो ये जो है इसको सपोर्ट करता है, आपका सूज न जले इसलिए ये दिया गया है, और इससे ये जो क्रोम की फिनिशिंग ये बरकरार रखे इसलिए। यहाँ पे पीछे आपको देखने को मिल जाएगा पूरा क्रोम का सीट टेकर प्लास्टिक के साथ, और उसी के साथ साथ यहाँ पे ड्यूरालाइफ जो कि उस साइड सा सेम, यहाँ पे सारी गार्ड देखने को मिल जाएगा, यह है पूरा चैन कवर जो कि फाइबर का होता है, और यहाँ पे टायर प्रेशर लिखा गया है। अगर पीछे वाले टायर साइज की बात करें तो ये है 3.0018, 18 इंच का लाइवल इसमें भी आ जाता है, जो कि ट्यूबलेस टायर के साथ आता है, TVS टायर्स इसमें होते हैं। पीछे के सारे इंडिकेटर हैं, ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। यहाँ पर टेल लाइट हाइड्रोजन टेल लाइट के साथ मिल जाता है, पीछे के साइड रिफ्लेक्टर मिल जाता है, इससे अगर हम बात करें यहाँ पे 3D लोगो रेड ऑन का मिल जाता है, ये साइड पैनल ओपन करने वाला। यहाँ पे TVS का बैजिंग मिल जाता है, जो कि ये हाफ चैन कवर जो फाइबर का होता है, ये पूरा मैग्नेट कवर जो कि गोल्डन कलर में देखने को मिल जाता है, ये है फुटरेस्ट आगे वालों के लिए। यहाँ पे जो है आपको 4 गियर लीवर मिल जाएगा, तो यहाँ पे 4 गियर के साथ ये आ जाता है। साइड स्टैंड इंजन सेंसर, इंजन किल स्विच सेंसर के साथ आ जाता है, और बात करते हैं यहाँ पे जो इसका लेग गार्ड होता है, ये जो होता है पूरा क्रोम का होता है। करते हैं अगर हम इसके इंजन की, तो 109.7 cc का इसमें इंजन आ जाता है, जो जनरेट करता है 8.19 PS का पावर 7,350 RPM पर, और टॉर्क की बात करें तो 8.7 Nm का टॉर्क ये जनरेट करता है 4,500 RPM पर। अगर इसके हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 10 लीटर के इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी होता है, जिसमें 1.5 लीटर इसका रिजर्व होता है। फ्यूल टाइप की बात करें तो E20 फ्यूल टाइप ये सपोर्ट करता है, और इस बाइक के ओवरऑल वेट की बात करें तो 116 किलो का इसका वेट होता है। बात कर लेते हैं अगर हम इसके माइलेज की, तो 65 से 70 किलोमीटर इसका माइलेज होता है, कंपनी वाले क्लेम करते हैं 73 तक का, लेकिन 65 से 70 ये आपको आराम से देगी। इसके हम LED DRS आपको दिखा देते हैं, जो कि इस समय अभी ग्लो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो बाकी यहाँ सामने हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसा
दिखता है, ये रहा इसका हॉर्न। बाकी बंद करते हैं हम इसको। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हम मिलते रहेंगे किसी और नए वीडियो के साथ। तो धन्यवाद।